हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कटहल के कोफ्ते की सब्जी बनाएंगे। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कटहल को बड़े बड़े पीसेस में काटकर कुकर में डाल लेंगे। अब उसमें एक टीस्पून ऑयल और पानी डाल लेंगे। यहाँ पर हम तेल इसलिए डाल रहे हैं ताकि कटहल पकने के बाद चिपचिपा ना लगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और धीमी आंच पर 3 सीटी आने तक का इंतजार करेंगे। कटहल गल चुका है और हमने कटहल को प्लेट में निकाल लिया है। अब कटहल के बीज को अलग करते हुए कटहल के पल्प को एक बाउल में डालते जाएंगे और साथ ही बीज के ऊपर के छिलके को हटाते हुए उसे भी बाउल में डालेंगे। अब बीज को मैश करते हुए सारे बल्ब में मिला लेंगे और पूरे कटहल को अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैश कटहल में बेसन, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार डालकर मिला लेंगे। अगर आपको लगे बैटर एक सा नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं। हमने यहाँ 3/4 कप बेसन डाला है। तेल गरम हो चुका है। अब बैटर को कोफ्ते की शेप देते हुए तेल में डालते जाएंगे। कोफ्तों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी कोफ्तों को भी तैयार कर लेंगे। अब ग्रेवी के लिए 4 टमाटर, 4 हरी मिर्च और 1 अदरक के टुकड़े को मिक्सी में पीस लेंगे। टमाटो प्यूरी बन चुकी है। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे। अब उसमें करीब 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब उसमें चुटकी भर हींग, 1 चम्मच जीरा,
एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर डालकर मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक इसका सारा पानी ना सूख जाए। अगर आपको प्याज पसंद हो तो आप प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटर अच्छे से भून चुका है, अब इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। और उबलने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब ग्रेवी में कोफ्ते डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक, एक चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालकर मिला लेंगे। और 5 मिनट तक उबलने देंगे। कोफ्ते डालने के बाद अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालकर ग्रेवी को थोड़ा पतला कर सकते हैं। 5 मिनट हो चुकी हैं, अब गैस बंद कर देंगे। धनिए के पत्ते से गार्निश कर लेंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कटहल की कोफ्ते की सब्जी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।